Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजिका जी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप का सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक फूड ब्लॉग, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, इस वीडियो का टाइटल है सेलिंग 12 इडली बेस्ट साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड इन बैंगलोर। से स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी का बता दिया था और जब तक दो बाइट में देखे तब तक असली मजा आता नहीं है। इडली जितने भी फूड ब्लॉग है ना, माशाल्लाह से हेल्दी। हेलो गाइज एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो फूडनिया। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ नमस्ते में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है मेरे सामने। एक बार मैं आपको सामने दिखाता हूँ, मैं अपना चेहरा स्टार्टिंग में नहीं दिखा रहा बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को मेरा चेहरा ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आप भीड़ देख सकते हैं कितनी लाजवाब है। सामने आपको ऑर्डर देना होता है, वहाँ पर आप लोग अपना खाना ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए ऑर्डर देते हैं अपना फटाफट। साफ़ सफाई यहाँ पर दिन भर चलती रहती है, तो नॉट अ बिग डील। दोस्तों आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि रगी राती है, रगी डोसा हो सकता है, और रगी रोटी, अच्छा 50 रुपये की डोसा है यहाँ पे, रागी और काई, पाइनएप्पल है, काई है, मुझे नहीं पता, ये अक्की रोटी भी है और ये थाली, ये सारी चीज़ें, तो कई सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करा है ये सब। और आप देख सकते हैं एक इडली, एक वड़ा, एक डबल इडली यानी ये पूरी प्लेट, और दो मसाला डोसा जो हमने ऑर्डर करे हैं, और इसका टोटल बिल आया है मात्र 120 रुपये। और साथ ही साथ द गुड पार्ट जो मुझे पता लगी है कि यहाँ पे 1,00,000 इडलीज पर मंथ बिकती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर यार। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सामने हमारा किचन है, इसे देते हैं। तो यहाँ पे अब खाने की भी स्टार्टिंग हो गई है, तो खाने की प्लानिंग हो रही है। नाश्ते का टाइम थोड़ा ब्रंच टाइप का टाइम हो रहा है। किचन देखिए आप कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है, इतने बड़े ऑपरेशन होते हुए भी सामने डोसाज बनते हैं। और इडली यहाँ पे जनरली आपको गर्म ही मिलेंगी, बहुत कंटिन्यूसली निकलती है क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। यहाँ पे हमें अपना बिल देना पड़ेगा। मैंने वो वाला सेक्शन दिखाया था, ये सेक्शन जो है हमारा पूरा पैकिंग का सेक्शन है, यहाँ सारी पैकिंग होती है हमारी। और बिलीव मी, जब भी हमें रात को भूख लगती है नमस्ते से खाते हैं, मैंने सोचा कि एक बार आपको यहाँ के दर्शन कराए जाएँ। 1,00,000 इडली बिकने वाली जगह थी। चटनी की आप देख सकते हैं खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, एक बार अभी और डालेंगे यहाँ पे, और ये पैकिंग की तैयारी सारी की सारी। ये पूरा हैंड वॉशिंग एरिया, पानी पीने का एरिया, और ये हमारा यहाँ पे भी आप खड़े होकर खा सकते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। आप भीड़ देखिए कितनी तगड़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद ये आ गया है हमारा आज का क्रंच। यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं दो मसाला डोसा। आप देखिए कलर क्या, बिल्कुल मुँह में जो है ना, बिल्कुल मुँह में पानी आ रहा है और मेरी भूख बढ़ा रहा है ये। और इसके ऊपर ना हल्का सा कोकोनट घी भी डाला जाता है, कोकोनट ऑयल डाला जाता है आप कह लीजिए। और ये साथ में हमने लिए अपनी 1 प्लेट इडली और 1 प्लेट इडली वड़ा इशांकी के लिए। ओवरऑल ये हमारा कॉम्बो है। ज़्यादा वेट नहीं करते, मैं एक आध फोटो लेता हूँ और उसके बाद डायरेक्टली इसे टेस्ट करते हैं। तो फोटोज़ मैंने ले लिया, मैं आपको बता देता हूँ ये जो सामान है ये शांकी का है, क्योंकि शांकी को इडली और वड़ा दोनों पसंद है। तो वड़े का रिव्यू तो आज शांकी करने वाली है, ये ग्रीन में खड़ी है और बिल्कुल ग्रीन चटनी भी हो रही है। तो शांकी तुम्हारे से पहले रिव्यू स्टार्ट करते हैं वड़ा, इडली मैं बता दूँगा। क्रिस्पी है, अंदर से फुलका फुलका नहीं है जैसे हमारा समोसा वगैरह होता है। सही है, आप खा रही हो, टेस्ट कर रहे हो। तो ईशान जी ने तो पास कर दिया, मैं भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ एक पीस, यही वाला कर लेता हूँ। और प्यार भी बढ़ेगा झूठा खाने से ईशान जी तुम्हारा। और ये आ गई हमारी वो बड़े की एक बाइट।
तो ये रही वो बाइक और क्रिस्पी तो है। दूसरी चीज़ बिल्कुल कॉल तो हुआ गरम। मैंने आपको बताया भी यहाँ इडली वड़ा इतने ज़्यादा बिकते हैं कि कॉन्टेनर्सली बन गया। आपको सोचो साल के 12 लाख इडली इज़ जस्ट अ ह्यूज नंबर। साल की 12 लाख, मतलब मुझे ऐसा लगता है 12 लाख अगर ये बेच रहे हैं और इनकी जो एक इडली आती है वो करीब है 15 रुपये की, तो आप ये समझो करीब करीब 1.8 करोड़ का बिजनेस इडली का ही है। दैट्स अमेजिंग। दूसरी चीज़ अपनी टेस्ट करते हैं, दैट इज़ डोसा। घी आपको दिखाता हूँ एक बार, ऑयल बेसिकली। हाँ अभी इडली भी खाएंगे, तो ये देखिए ऑयल है कोकोनट ऑयल बेसिकली, काफ़ी अच्छे से डाला जाता है। इसको मैंने बीच में से तोड़ा ताकि अच्छे से मसाला भी आए। ये आ गई हमारी चटनी। हाँ हाँ हाँ, गरम कोकोनट का फ्लेवर और टेस्ट भी। क्रिस्पी डोसा गरम गरम सही में अच्छा लगता है। दूसरा बाइट निशानी कह रही है मुझे भी खाना है, मुझे भी डोसा बहुत पसंद है। तो फटाफट एक बार इडली टेस्ट करके आपको बताते हैं। गरम इडली है बिल्कुल, मैंने तोड़ा, बहुत आराम से टूट जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह। ये हमने आप देख सकते हैं मैं चटनी लगा रहा हूँ तब भी टूट रही है। ओ भैया ये बाइट वो आ गया। मैंने वड़े का एक बाइट इसलिए नहीं लिया एक्स्ट्रा क्योंकि शांति ने आपको लेके बता दिया था, और जब तक दो बाइट ना लेंगे तब तक असली मज़ा आता नहीं है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि सारी चीज़ बिल्कुल मस्त बनी है, बहुत टेस्टी हो रही हैं, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप कभी HSR में हैं या जहाँ भी इनका आउटलेट है नमस्ते वालों का, तो ज़रूर एक बार ब्रेकफास्ट ट्राई करिएगा। भीड़ काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि ताज़ा खाना मिलता है, सच में खाना भी बहुत अच्छा है। तो वीडियो को बंद करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जी जनाब, मुंह में पानी भराया। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा डोसा हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इस डोसा का कलर मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था, ब्राउन ब्राउन टाइप का, मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा था। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि सफाई, जब बाकायदा वो चीज़ें बन रही थी, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मैंने नोट किया है कि फ्रंट जो होता है ना सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, देने के लिए होता है, बस हम आपको देंगे। अच्छा पीछे जो चीज़ें बन रही होती है ना वो छुपी होती हैं, कुछ छुपी नहीं भी हो तो कुछ पाने की कोशिश की जा रही होती है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं फैल जाती हैं वहाँ पर, मतलब बनाने बनाने में मैं कहता हूँ कितनी भी कोशिश करें आपको एक ही चीज़ डालनी है, मिक्स करना है, ये करना है, तो आपको गंदगी हो ही जाती है, यानी चीज़ें बिखर जाती हैं, डिसिप्लिन नहीं रहता, फिर वो ये चीज़ें जमा होते 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 वो तो छुपा हुआ पार्ट है ना, पब्लिक को नहीं दिख रहा। किचन जो है वो गंदा होता है, गंदा होता रहता है, होता रहता है। अच्छा फिर जहाँ ऑयल का काम हो, जहाँ पे ऑयल से चीज़ें बनती हो, मैं मतलब बिल्कुल 100% बताऊँ कि आप कितना भी साफ़ करें उसके अंदर बाकायदा ब्लैक चीज़ जमती रहती है, ऑयल जमता रहता है, ग्रीस होती है ना, ग्रीसी होता है, ठीक है ना, वो जमता रहता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसा आता है कि जिन बर्तनों में आप ऑयल से चीज़ें बनाते हैं वो स्टील हो या लोहा हो कुछ भी हो, वो एंड वक्त ऐसा होता है कि ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते, ठीक है ना। यहाँ पर बाकायदा बहुत सफाई दिख रही थी, बहुत सफाई। फिर बाकायदा हमने ये भी देखा है बेंगलोर एक बहुत डेवलप सिटी है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग रहते हैं, बाकायदा एक IT हब है, एक डेवलपमेंट का हब है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी एक एक चीज़ को नोट, हम तो कैमरे में देख के नोट कर रहे हैं कि सफाई है, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये देखेंगे अगर कहीं 19-20 मामला हो रहा है तो ये मेरे ख्याल में नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है मेरा दिल कर रहा है, वैसे मैं टपोरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आज मेरा ये ब्लॉग देखने के बाद दिल कर रहा है कि मैं इसको इस तरीके से बोलूं, सफाई उधम 50, मतलब हमारे यहाँ बहुत ही आला और उमदा चीज़ होती है, तो हम थोड़ा टपोरी होते हुए बोलते हैं यार उधम 50 स्पीड है, यार उधम 50 लग रहा है।
वाकई सफाई, इतनी सफाई, इतनी सफाई। अच्छा मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ जिसके अंदर ना आइसक्रीम बना रहे होते हैं और उसको आइसक्रीम को बना रहे होते हैं, उसको मतलब बकायदा कट कर रहे हैं और फिर उसको शेप दे रहे हैं, फिर उसको डिफरेंट रोल्स बनाते हैं, उसके वो कर रहे होते हैं बकायदा ऐसी ग्लव्स। अच्छा वो अमेरिकन वीडियोस होती हैं उसमें बकायदा ऐसी ग्लव्स, ऐसी उनकी वियरिंग, ऐसी उनकी किटिंग होती है और वो इस तरीके से ही ऐसे ही लड़के होते हैं और बड़ा साफ सुथरा लग रहा होता है, बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा होता है वो वीडियो देखना। मुझे ये वीडियो भी इतना ही सेटिस्फाइंग लग रहा था देखना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, डोसा के अंदर से मुझे खीर उन्होंने छोड़ा या निकाला, वो कैसे निकाला मुझे नहीं पता। पता है मुझे क्या फीलिंग आई जब उन्होंने उसको दबाया, क्योंकि आप एक रोटी टाइप की चीज़ है या एक फुलका टाइप की चीज़ है, अब वो लेयर है, वो सिर्फ एक सिंपल लेयर है, उसके अंदर खलिए या छोटे छोटे पोर्स थोड़ी हैं कि जिसके अंदर चीज़ चली जाए और फिर आप उसको दबाओ, प्रेस करो और उसको बाहर निकालो, ऐसा तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैरान हूँ किस तरीके से बनाता, क्या था मुझे शहद की मक्खी का वो जो छत्ता नहीं होता और उसको आप दबाओ फिर उसमें से शहद निकलता है, सेम फीलिंग आ रही थी कैसे बना, क्या रेसिपी थी। फिर जब उन्होंने अंदर से उन्होंने फाड़ कर और एक वो जो निवाला निकाला और उसके अंदर बिल्कुल आलू की जो स्टफिंग थी, अच्छा आलू का कलर येलो इतना प्यारा कलर लग रहा था कि पता नहीं ऐसा लग रहा था बहुत ही उम्दा किस्म के मसाले यूज़ किए गए, बहुत ही हाई क्वालिटी वाले, जो कलर इतना बेहतरीन दे रहे थे, वो टेस्ट कितना बेहतरीन। डोसा का कलर चेंज लगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डार्क लगा या ऐसे ही थोड़ा सा डार्क लगा। और चटनी भी क्या कोकोनट की थी। मतलब अच्छा खाने वालों ने भी बड़े टेस्ट लेके बड़े तरीके से बताया कि वाकई सामने वाले देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। इडली साइज की बड़ी लगी थी। अच्छा आप लोग ये वीडियो देखते होंगे, आप लोग जब ये वीडियो देखते होंगे तो आप कहीं ना कहीं तो ट्राई कर ही लेते होंगे, आपका दिल अच्छा दिमाग में एक चीज़ छप जाए ना, आप चाहिए एक दो तीन दिन में आप कहीं ना कहीं आसपास ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो मौका देख के। अच्छा, टाइम निकाल के ये भी होता होगा इनके यहाँ कि ये दूसरे स्टेट में है, जैसे कि ये साउथ इंडियन था या बैंगलोर में था, तो मुझे ऐसा लगता है अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं स्पेशलिटी के तौर पे भी इडली मिल रही होगी। होता है। और डोसा तो बहुत ही वायरल बहुत ही फेमस है, जब लंदन में मिल सकता है तो हमारी मजबूरी ये है कि हम देखने के बाद हम महदूद हो जाते हैं, मतलब हम चाह के भी ट्राई नहीं कर सकते। अब यहाँ इडली कौन बेचेगा, बिल्कुल हम चाहे भी कराची में इडली ट्राई करें या मंगवाएं या मोमोज मंगवाएं या डोसा मंगवाएं तो कैसे पॉसिबल है। नहीं अच्छा वड़ा देखा आपने, मुझे एक बार को लगा कि यार वो हम डोनट्स खाते हैं ना डोनट्स, उसका शेप ऐसा ही होता है, लेकिन ये नमकीन था, ये मीठा नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वाकई इनका व्लॉग देख के मुँह में पानी आ गया, सफाई देख के बहुत इम्प्रेस हुए और वाकई वाकई अच्छा लग रहा था और दिल कर रहा था कि इसी वक्त, मतलब जो चीज़ जिस वक्त इंसान देख ले उसी वक्त चाहिए, ऐसे मन कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।